अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बंच। बंच पे ये मैं सिलाई लगा रहा हूँ। सिलाई किस तरह लग रही है जनाब? इंशाल्लाह मैं अब जो आपको वीडियो दिखाया करूँगा प्रॉपर तरीके से दिखाया करूँगा, पैच लगा के भी और लगाने से पहले भी। ये हम लगा रहे हैं नेट के ऊपर, नेट के बाजू हैं, और ये हम लगा रहे हैं टिशू के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि टिशू के ऊपर हमें सेटिंग करके दें। पहले वो ख़ुद कर रहे थे, फिर उनसे नहीं सेटिंग हुई, वो फिर हमारे पास लेके आए। हम आज इनकी टिशू की कपड़ों की सेटिंग कर रहे हैं। पैचेस किस तरह लग रहे हैं यो इंशाल्लाह हम आपको डेली इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीडियो बनाया करें हम लोगों के लिए। और ये मैं सिलाई लगा के पैच लगा रहा हूँ। पैच टिशू नेट का पैच है और टिशू के ऊपर लगाना है हमने, टिशू भी कटिंग करना है। पैच इस तरह लगे कि पता ना चले, वो कह रहे कि ये नेट के ऊपर है या टिशू के ऊपर है, टिशू के साथ अटैच हुआ वो। तो मैंने पूरी कोशिश की कि ये पैच ऐसे लगे कि पता ना चले कि नेट ये पैच लैदा लगा हुआ है या नेट के ऊपर बना हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि कस्टमरों को मैं कोई शिकायत का मौका ना दूँ। तो माशाल्लाह ये हम काम कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा ये नेट वाला बाजू, नेट के ये बाजू हैं। बाजू इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से बेहतरीन करके हम इंशाल्लाह लगाएंगे। जी ये लग चुके हैं बाजू और ये हमने लगाए हैं जनाब टिशू के ऊपर। ये देखें ये लाइनिंग आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये लग रहे हैं। और ये मैंने आउटलाइन दी है ऊपर। अब हम ना इंशाल्लाह इसको कटिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे कटिंग ये प्रॉपर तरीके से। ये नेट ये चेक करें, नेट को हमने टिशू के ऊपर रख के ना इसको लगाया, ठीक है। मैंने कहा चले मैं आपको अपनी वीडियो भी दिखा दूँ यार, कि मैं ख़ुद ही काम कर रहा हूँ, हम यूट्यूब वीडियो भी बनाते हैं और काम भी करते हैं, काम भी ज़रूरी है। और ये माशाल्लाह हमने ऐसा पैच लगाया कि बेहतरीन, पता नहीं चल रहा था। और मैंने कहा चले आज ना दुकान की भी आपको विज़िट करवाते हैं, दुकान की भी शॉप दिखाते हैं। और ये हमने लगा दिया जनाब नेट पे। और ये ऊपर वाला जो नेट है ये हमने कटिंग करना है। पहले हम ये वाला नीचे वाला टिशू है ये भी हम कटिंग कर देंगे, फिर पता नहीं चलेगा ये किस तरह लगा हुआ है और कैसे लगा हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कस्टमर को अच्छा से अच्छा काम करके दूँ। और आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखें ये माशाल्लाह हमने लगाया ये पैच, बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये जो पैच लगाना होता है ना। और मैं जनाब आप लोग तो काविया के साथ कटिंग करते होगे, लेकिन काविया के साथ नेट कटिंग हो जाती है, लेकिन काटन का कपड़ा हो फिर काविया चलता है। लेकिन नीचे भी टिशू है, ऊपर नेट है, लेकिन काविया हल्का सा भी लगा तो निशान पड़ जाएगा, सुराख हो जाएगा। तो मैं इसलिए ना कोशिश करता हूँ कैंची के साथ ना कटिंग कर रहा हूँ। ये कैंची के साथ मैं इसलिए कटिंग करता हूँ, मुझसे ना जल्दी जल्दी ना कैंची से कटिंग होता है। लेकिन लोग ज़्यादा काविया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मैं ज़्यादा कैंची इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने छोटी सी कैंची रखी हुई है, उसके साथ मैं कटिंग कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल जो मैंने आउटलाइन दी है ना, इसके साथ साथ मैंने कटिंग की है, ठीक है, बिल्कुल इसके साथ साथ कटिंग जा रही है। और पहले मैं ऊपर वाली नेट वाली कटिंग करूँगा, फिर नीचे मैं टिशू वाली कटिंग करूँगा, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गले का, मेरे पास माशाल्लाह बहुत काम है पैच का, और जितने भी इंशाल्लाह गले लगाएंगे हम आपको इंशाल्लाह ना वीडियो अगली से अगली इंशाल्लाह पूरी तरीके से दिखाएंगे। तो था इसलिए मैंने ना फिर जल्दी जल्दी यार वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ये इसकी मैं माजर चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर तरीके से ना दोबारा वीडियो लेके आऊँगा, अगला जो पैच लगाएँगे इंशाल्लाह हम ना, तो वो भी हम आपको दिखाएँगे पूरा तरीके से। ये हसन भाई साहब कुल्फ़ी खा रहे थे, मुझे कहते मेरी वीडियो ना बनाओ, मैं कहे यार कुछ नहीं होता वीडियो बनाने दो। और मैं जिस भाई का नेट का काम कर रहा था वो भी जनाब पहुंच चुके हैं। ये बाबा जी मांगने वाले खैर, मैंने कहा चलें जी आपको भी खैर देते हैं। और ये हमारा ये देखें ये मैंने टिशू है जो कटिंग कर दिया, नेट वाला कटिंग कर दिया, नीचे वाला जो टिशू है ना वो भी इंशाल्लाह हम कटिंग कर देंगे। और ये मुकम्मल, ये आपको लाइन नज़र आ रही है ना नीचे टिशू के नेट के नीचे, ये वाली आपको नज़र नहीं आएगी। और मैंने कहा ये है ना कटिंग करके भी आपको वो भी चेक करवाते हैं, मैं उल्टा करके भी आपको दिखाता हूँ। और ये चेक करें, डिज़ाइन बहुत प्यारा था। और भाई साहब मैंने कहा चलें
मैं पूरी दुकान की विज़िट कराता हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है और मैंने दुकान की पूरी शॉप की वीडियो बनाई हुई है, आपने शायद देखी हो ना हो। ओ यार जिस भाई का काम था वो भी आ चुका है, इसका था काम। और ये हमने जनाब नीचे वाला जो टिश्यू है ना वो भी कटिंग कर दिया। अब देखें कि वीडियो के नीचे आपको लाइन आ रही थी नज़र, अब नहीं आ रही, अब पता नहीं चल रहा। नेट और टिशू दोनों मैंने साथ अटैच कर दिए, आगे नेट है पीछे टिशू है, सॉरी आगे नेट है पीछे टिशू है, ठीक है। तो लाइन आ रही है, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से लगा हुआ था। हमने इस तरह का काम किया, ये आपको सारी लाइन आ रही है। नीचे पहले आपको नज़र आ रही थी लाइन वो ख़त्म हो चुकी है। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन और अच्छा काम किया हमने। तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। आप लोगों की, आप हमारी फैमिली हैं और आप, हम आपकी सपोर्ट करें।